अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह कि आप सबको पता है कि बाबरकत महीना शुरू है, रमज़ान के महीने के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर आती हैं इफ्तार पार्टीज़ भी। इफ्तार पार्टीज़ दो किस्म की होती हैं, एक वो होती है जिसकी आप प्लानिंग करते हैं और एक वो होती है जो अनप्लान्ड होती है, और हमारी हमेशा अनप्लान्ड ही होती है। और माशाल्लाह मेरे जो दोस्त हैं वो वक्त के इतने पाबंद हैं कि वो अगर 10 मिनट का कहेंगे तो यकीनन 2 घंटे बाद वो लोग आएंगे। और इसी ही रिवायत को अपनाया अली रहमान भाई ने। तो नजरिए ना, हमारा अफ्तारी का जो है वो अचानक प्लान बना है। अली रहमान भाई है, सर पर टोपी है माशाल्लाह। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो किस्म के ड्राइवर्स होते हैं, एक वो जो अपनी स्किल्स पे ड्राइविंग करते हैं, दूसरे वो जो लोगों की दुआओं पे चल रहे होते हैं। अली रहमान भाई दूसरे वाले ड्राइवर हैं, यानी कि वो लोगों की दुआओं पे चल रहे हैं और ये जान पे खेल कर रहे हैं, मुझे पिक करने के लिए आए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि हम जो है सही सलामत पहुँच जाए शहरिया नदीम डॉक्टर ऑफ कार्स के पास। और शहरी भाई वो आदमी हैं जो आपको हर 1 मिनट बाद कॉल करेंगे और लोकेशन जानेंगे। इनको लगता है बंदा 1 मिनट के अंदर 10 या 15 किलोमीटर कवर करता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी अभी अली रहमान साहब अपनी जान पे खेल कर मुझे उठाने आए हैं। अभी सर मुल्तजिम सीएनजी पंप के पास है। ओके सर, ओके। आप कोई चीज़ प्लान करें और वक्त पे हो जाए तो यकीन जाने आप बहुत खुशकिस्मत हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती अभी तक मुझे नसीब नहीं हुई। अफ्तारी के लिए कोई 3-4 मिनट रह गए और अभी हम शहरी भाई को उठाने के लिए अभी पहुँचे हैं। ये इधर मुड़ जाएं सर। सर इन बाइक वालों को आपने बचाना है, ठीक है सर? ठीक है सर। सर यहाँ से आपने जो है ना आपने राइट पर मुड़ना है। हम लोगों ने शहरी भाई को घर से उठाया और ड्राइविंग सीट संभाली शहरियार भाई ने। क्यों? क्योंकि शहरियार भाई प्रो ड्राइवर। ये हमारे शहरियार नदीन साहब का घर है और ये अभी जो है सामान लेकर निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है क्योंकि शहरियार नदीन साहब को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। दरवाजा तो बंद कर। इसके साथ साथ उनकी गाड़ियों के अंदर एक्सपर्टीज भी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो जिस गाड़ी में भी बैठते हैं तो उसके नुक्स और उसकी बीमारियां बताना शुरू कर देते हैं। यही काम शहरियार भाई ने किया। यार ये तो मैंने सर ये हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वही मरीज के बारे में बता रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि तूने एमबीएस में काम कर दिया इसका, वरना वो पंपिंग लग जाती है ना इसकी, अगर वो ब्रेक पैड बिल्कुल फारिग हो ना। नहीं ब्रेक लगती है लेकिन वो जैसे चौक करके वो नहीं होती ऐसे ऐसे गाड़ी काम। ये दो सेंसर बताइए क्या है? हाँ ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा है एबीएस तो जब नहीं पाकर नहीं पाकर। मैं बताता हूँ ना एबीएस जो है ना हाँ। ये मैंने जिस दिन सर्विस करवाई थी ना उसका उसने अंदर पानी मारा, शॉक भी उसका लीकेज ब्रश करी गया है। हाँ ना तो सब कुछ है ना, मैं तुझे तो कह रहा हूँ। अच्छा ये मैंने जब सर्विस करवाई थी ना उसके बाद इसने एबीएस वाला जो है ना वो आई वो आ गया था ये जो आई का है। ठीक है तो फिर मैंने कहा यार शहीन मर्जी कौन जाएगा, हमारे पास लगा रहे खैर है कुछ नहीं होता। ब्रेक की फेल तो नहीं हुई इसकी? तूने फील के दबाया और काम नहीं करी बिल्कुल? नहीं ब्रेक काम करती है, ब्रेक काम करती है लेकिन जैसे वो ये शॉक सड़क वाली नहीं लगती खत्म ही वाला शॉक। ये अलहू की जो है वो रास्ता है अलहू ट्रेल्स का और इसको गाखी रोड भी कहते हैं, और ये गुहाट का जो है वो मार्गला हिल्स है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप कोई चीज़ प्लान करें और वो टाइम पर हो जाए तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, और इस लिहाज से ये खुशनसीबी मुझे अभी तक नहीं मिली। तो वही हुआ जिसका डर था कि हमारी जो इफ्तार है वो हमें गाड़ी में ही अपना रोज़ा खोलना पड़ा। हम जब गाड़ी में ही थे तभी जो है अजानें शुरू हो गई। जिसका खतरा था वही हो गया, हम जगह तक पहुंचे नहीं है और अफ्तारी जो हम लोगों ने गाड़ी के अंदर खोली सिर्फ इसकी वजह से। मैं तो डर की तरह उठा के लाया और क्या है इसकी वजह से लग रही है। फिर इसने बन गई शायद। आप भी ठीक करके देता।
अब भी खोल के देता हूँ, अब भी खोल खुल गया खुल गया। मैं मजे ले रहा था, मैंने कहा तुम लोग थोड़ा तंग करो। ये लो इसमें शरबत डालो तीनों पेपर। किसकी आवाज है, कैसी आवाज निकाल रहे तुम्हारा? लेकिन रुकिए, आखिर में एक सीरियस बात। जिस तरह के आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आगे ईद भी आने वाली है, तो जो खुशियाँ आप लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं या अपने भाई के लिए सोचते हैं या अपनी बहनों के लिए अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं, कोशिश करें वही खुशियाँ आप उन लोगों के लिए भी सोचें जो इन खुशियों को पूरा करने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो वसीला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बनाए कि आप उनकी खुशियों को जो है वो दुबाला कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सबसे पहले तो जो अपने करीब के लोगों में देखें, जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको जो है आप कोशिश ये करें कि उनके बच्चे भी वही सहरी और अफ्तारी करें जो आपके बच्चे करते हैं। और उसके साथ साथ आगे ईद आने वाली है, तो आप ये कोशिश करें कि जो खुशी आप अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने भाई को देना चाहते हैं या अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, वो खुशियाँ जो हैं वो आप अपने उन लोगों को भी दें जिनको हक है कि उनको वो खुशियाँ भी मिलें, और शायद कहीं ना कहीं उनकी निगाहें जो हैं वो आपकी राह तक रही हों। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने देखने और सुनने वाले तमाम तर नाज़रीन से कि अपने अजीज़ों अकारिब का, अपने महल्ले में अपने पड़ोसियों का, हमसायों का, रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये महीना जो है सिर्फ इफ्तार पार्टीज़ के लिए नहीं आया गया, ये महीना जो है सिर्फ इबादत के लिए नहीं आया गया, ये इसलिए भी है कि आप हर लिहाज से अपने दिल का सुकून हासिल करने के लिए हर वो इकदाम उठाएं जिसका जो है वो अजर बहुत ज़्यादा है। तो यकीनन अपने भाई, अपने हमसाए या किसी इंसान का दर्द अपने जिगर में पालना, इंसान हो या हैवान हो, सब का दर्द अपने जिगर में पालना जो है इसका एक बहुत ही ज़्यादा इसमें मज़ा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो आपके गली मोहल्लों में जो है वो जानवर आते हैं उनका भी आप ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जो है आप अपने अजीज़ों व अकारिब का भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ अपना आप बहुत ख्याल रखेंगे और अपने भाई के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।